सो गाइज अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो गाइज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और उसी के साथ जो बाजू में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए गाइज। इसका फायदा ये रहेगा कि जब भी कोई मैं अपनी नई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेगी गाइज। थैंक यू और वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। सो हेलो एंड वेलकम गाइज, मेरा नाम है तेजस सर, आप देख रहे हैं टेक वेबसाइट एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे आईफोन 6 के बारे में, वो भी अभी के टाइम में 2020 के टाइम में। कैसा है ये प्रोडक्ट, कैसे इसके सारे स्पेसिफिकेशंस, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। और उसी के साथ अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब गाइज। वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। और मुझे अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। और आपको और आपके सारे फैमिलीज को इंडिपेंडेंट डे के हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए, वीडियो बहुत ही बढ़िया रहेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस। थैंक यू। सो गाइस जैसे कि ये हमारा प्रोडक्ट है, अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस, कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें सबसे पहले मैं बता देता हूँ। ओके सो ये फ़ोन अभी आप देख सकते हो आईफोन 6 है। ओके ये इसकी बैक साइड है, इसकी फ्रंट साइड है गाइस। फ़ोन बहुत ही बढ़िया है, इसकी लॉन्च डेट थी 19 सितंबर 2014। सो अभी कुछ कम से कम 5 से 6 साल हो चुके हैं इस फ़ोन को और अभी भी बहुत सारे लोग इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं आईफोन 6 को, क्योंकि मैं खुद भी इसे यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है फ़ोन के दरमियान, बहुत ही अच्छा फ़ोन है गाइस। ओके इसका क्वालिटी देखिए, आप इसको स्क्रीन देख सकते हो, मैं इसके सारे स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ। बट इसका एक माइनस पॉइंट है कि कुछ जो गेम्स रहते हैं, जो हाई ग्राफिक्स की गेम्स रहते हैं, वो इसके अंदर अभी चलेंगे नहीं। ओके बिकॉज उसके ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा है। इसका रैम्प है 1GB रैम्प, ये फ़ोन है गाइस। ओके जैसे कि आप देख सकते हो 1GB का रैम्प, और अभी के ये 2020 के स्पेसिफिकेशंस में मैं अभी भी शो कर रहा हूँ और अभी भी बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं गाइस। ओके सो ये 1GB का पूरा फ़ोन है, ये इनबिल्ट इसका 16GB का है, अभी इसका इंटरनल स्टोरेज 16GB का है। आप इसका एक माइनस पॉइंट है कि आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते। इसका बैटरी बैकअप है 1810 mAh का इसका बैटरी बैकअप है, मतलब मेरे हिसाब से मैं जैसे इसको यूज़ करता हूँ, मैं सुबह को चार्ज करता हूँ नॉर्मली इसको यूज़ करता हूँ और रात को इसका चार्जिंग ख़त्म हो जाता है, मतलब आ जाता है 2025 तक आ जाता है गाइस। सो 2025 को मेरे को सुबह नॉर्मल मॉर्निंग उठ के इसको फिर से चार्ज करना पड़ता है गाइस। ओके सो इसका जो गीगाहर्ट है वो 1.4 का इसका गीगाहर्ट है, डुअल कोर 64 बाइट का ये प्रोसेसर है गाइस। इसका CPU बहुत ही अच्छा है अभी के टाइम में, मतलब थोड़ा लेस है बट बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इसको यूज़ करोगे तो इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, मतलब इसमें और भी बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, जैसे 16GB आता है, 32GB आता है, 64 आता है और 128GB का भी इसके अंदर वेरिएंट आता है गाइस। ओके सो ये जो अभी फ़ोन है ये 16GB का फ़ोन है गाइस। ओके सो इसके अंदर मिनी स्पीकर्स है, मैं आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। सो गाइज मैं अभी आपको इसके कुछ फीचर्स, कुछ बढ़िया फीचर्स मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो सबसे नोटिस किया जाता है इस पूरे फ़ोन के अंदर, वो इस फ़ोन का 4.7 इंचेस का डिस्प्ले आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया लुक में, बहुत ही अच्छा और एकदम परफेक्ट इसका इंचेस का 4.7 का डिस्प्ले है, लुक बहुत ही अच्छा लगता है। और इस डिस्प्ले में सबसे ज़्यादा अभी के टाइम में हम मिस कर रहे हैं वो इस फ़ोन के ऊपर पे जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही बढ़िया है और अभी के टाइम में हम इसे मिस कर रहे हैं। तो आईफोन ने हमें ला के दिया है आईफोन SE में, और अभी तक आपने मेरा ये आईफोन SE का वीडियो देखा नहीं है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप आईफोन SE का फ़ोन देख लीजिएगा, आईफोन SE 2020 जो नया लॉन्च हुआ था गाइस। सो उसका भी हमारे यहाँ पे वीडियो आ चुका है तो आप देख लीजिएगा। और उस फ़ोन के ऊपर हम उस फिंगरप्रिंट स्कैनर को याद रख रहे थे, तो इस फ़ोन के ऊपर भी हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। और सबसे बाद में जो सेकंड पॉइंट में आता है वो इसका रहेगा फ्रंट कैमरा, 1.2 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है। मुझे कुछ फ़ोटोज़ मिल गए तो मैं आपको दिखा दूंगा कि बहुत ही बढ़िया फ़ोटोज़ इसके आते हैं। ओके सो सेकंड जो इसमें सबसे ज़्यादा नोटिसेबल वो कैमरा है, वो इसका 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है। ओके कैमरा बहुत ही अच्छा है बैक का,
बहुत अच्छा पोर्ट्रेट भी फ़ोटो निकाल लेता है गाइस, और बैटरी भी इसकी अच्छी है जो इसको कैमरा को अनलिमिटेड वीडियो को हमें हेल्प करती है। ओके सो जैसे कि आप हमारे फ़ोन के राइट साइड में देख सकते हो, तो राइट साइड में आप जैसे ही देखते हो वहाँ पे आपको मिलेगा सिम ट्रे और पावर ऑन ऑफ का बटन। ओके सो ये राइट साइड में आपको पावर ऑन ऑफ और सिम ट्रे का बटन मिल जाएगा, और जैसे ही आप लेफ़्ट साइड में करते हो आपको मिलेगा यहाँ पे वॉल्यूम साइलेंट का, और आपको इसका म्यूट का बटन मिल जाएगा जिसे आप साइलेंट कर सकते हो और जिसे आप इसको ऑन कर सकते हो, और वॉल्यूम अप एंड डाउन का आपको इसका बटन मिल जाएगा। और जैसे ही आप डाउन साइड करते हो आपके फ़ोन के, तो आपको मिल जाता है स्पीकर ग्रिल, और यहाँ पर 3.5 mm का जैक और आईफोन का चार्जर मिल जाता है जिससे आप आपके फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। फ़ोन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आप लुक भी फ़ोन का देख सकते हो। ये फ़ोन मेड इन कैलिफोर्निया है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छा फीचर इसका जो दिख जाता है फ़ोन को यूज़ करते समय। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, और ऐसे ही वीडियो में अंतिम तक बने रहिए और वीडियो को पूरा परफेक्टली इंजॉय कीजिए। मेरी वीडियोस आते रहेंगे गाइस, इसीलिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और उसी के बाजू में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। और थैंक यू गाइस आपके सपोर्ट के लिए, थैंक यू।